पिता के इलाज के लिए रखे थे 5 माह पहले पायल गिरवी, वापस मांगते पहुंचे तो कर दी मारपीट। अवैध शिवपुरी के जिला ऑफिस से ही युवक ने बताया कि उसने 5 माह पहले गांव के युवक पर पायल गिरवी रखी थी, लेकिन वापस मांगने गया तो उसके साथ मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार जितेंद्र वंशकार और उसकी पत्नी ने बताया कि पिताजी के इलाज को दिखाने के लिए गए थे, तभी पिताजी के इलाज के लिए पैसे कम पड़े तो बालकिशन पाल से पैसा की मांग की, तो बालकिशन ने कहा कि पैसे तो दे दूंगा लेकिन कुछ सामान गिरवी रखना पड़ेगा। तब पत्नी की चांदी के पायल को बालकिशन के यहाँ पर 2000 रुपये लेकर गिरवी रख दी। जब बालकिशन ने कहा कि पैसे दे देना और अपनी चांदी की पायल उठाकर ले जाना, इलाज के दौरान पिता का देहांत हो गया। कुछ दिनों बाद बालकिशन के यहाँ पर अपनी गिरवी रखी हुई पायल वापस लेने गए तो उसने देने से साफ मना कर दिया। पति और पत्नी ने बार बार मांग की तो बालकिशन और उसका लड़का गाली गलौज करने लगा, लाठी डंडे लेकर मारने लगा। इसके बाद आज पति और पत्नी ने SP से न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? कहाँ से आयो? ग्रोली से। कहाँ पड़ता है? किशोर के साइड पड़ता है। थाना कौन सा है? किशोर थाना लगता है। आज SP ऑफिस आए, क्या समस्या लेके आयो? ये समस्या लेके आए कि मेरी पिताजी के इलाज के लिए मैंने अपनी पायल गिरवी रखी थी, 350 ग्राम की है, 1500 रुपये में रखी थी, मगर उसका बन के 2000 रुपये होता है ब्याज बना के। तो मैं उठाने के लिए गया तो उसने बोला कि दे देता हूँ, फिर मैं तुमने बोला ठीक है दे देना। फिर मैं दोबारा गया तो मेरे को मतलब मारपीट किया और मेरे को गाली वाली देने लगा। मेरी पत्नी गई तो मेरी पत्नी ने मुझे बचाया तो उसने धक्का मक्का मार दिया। कब रखी थी आपने पायल? 5 महीने पहले। किसके यहाँ पे? उसका नाम है बालकिशन पाल। बालकिशन पाल, हाँ। अब क्या कह रहा है वो? मैं एक वो ना बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा। मैंने बोला मैं रिपोर्ट कर दूंगा तो मुझे मारपीट किया और मतलब मेरे में लाठी से मारा, थप्पड़ थप्पड़ मार दिया। आपने जब गिरवी रखी थी कोई कागज वगैरह मिला था क्या आपको? नहीं सर, कागज नहीं दिया था। गांव के गांव में तो कागज नहीं मिलता है हमको, जैसे कोई सेठ के बाहर रखने जाएंगे तो कागज देता है। आप इसके बारे में थाने में गए थे कैसे? हाँ, थाने में गया था तो उन्होंने बोला था कि दिला देंगे। तो मैं दोबारा गया तो उन्होंने बोला ठीक है उसको बुला लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है बुला लेना। मैं फिर गया, मैंने कहा चलो साहब के पास चलते हैं, तो उसने मेरे को मारपीट किया।